नमस्कार, मैं हूं अनिल रॉयल। रॉयल ब्रिटेन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देश में पिछले 1.5 महीने से चल रही लोकसभा चुनाव की गहमी के बाद अब फाइनल रिजल्ट आने में कुछ ही घंटे शेष हैं। 4 जून को पता लग जाएगा कि आपने ईवीएम में किसके पक्ष में वोट डाली है और देश की गद्दी पर कौन आसीन होने जा रहा है। आपने किसको वोट डाली है, सही अर्थों में देश की गद्दी पर कौन आसीन होने जा रहा है, इसका फैसला तो अधिकृत रूप से 4 जून को होगा। लेकिन 1 जून को 7वें चरण की वोटिंग के बाद जो परिणाम आया है उसने फिर दिखाया है कि देश में तीसरी बार फिर मोदी सरकार। 3 महीने पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा की थी कि देश में इस बार फिर उनकी सरकार बनेगी और 400 पार होगा, उस समय देश में किसी को ऐसा नहीं लग रहा था कि विपक्ष कहीं है। उस समय लगता था कि 400 की बात कही है तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आकर आ जाएंगी। लेकिन जैसे जैसे इंडिया गठबंधन बना और वो मजबूत होता दिखा तो लगा देश में चुनाव बदल रहा है। भाजपा के लिए 400 पार का नारा केवल एक नारा है, टक्कर रहेगी। जैसे जैसे चुनाव बढ़ा, भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया के संयोजक और इंडिया को बनाने वाले नीतीश कुमार को तोड़कर अपने खेमे में मिलाया। लगा कि इंडिया का कुंबा बनने से पहले ही बिखर गया। फिर बात ममता बनर्जी की आई। ममता बनर्जी की नानुकुल शुरू हुई तो लगा कि इंडिया गठबंधन कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबला करने की स्थिति में नहीं आएगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो राष्ट्रीय लोकदल को अपने साथ मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी संभावित गठबंधन के घटक दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को एक बड़ा झटका दे दिया था। लगा था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाजपा की सब मुश्किलें खत्म हो गई है और भारतीय जनता पार्टी बहुत आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। पर जैसे जैसे चुनाव आया वो चुनाव तेजी से उभरता चला गया और सोशल मीडिया पर खास तौर से शोर मचा कि देश में इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन जोरदार टक्कर दे रहा है। सवाल उठ रहा था कि क्या ऐसी स्थिति बनेगी, क्या इंडिया गठबंधन एनडीए को टक्कर दे सकता है, लोगों के कयास थे। लेकिन आज जो सर्वे के परिणाम आए हैं उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आकलन सचमुच इतना जबरदस्त है कि जो उन्होंने कहा था वो अप्रत्याशित लगता था लेकिन वो सही साबित हुआ है। अगर ये एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो लगातार 3 चुनाव जीतेंगे। पहले जवाहरलाल नेहरू ने 3 चुनाव जीते थे, अब मोदी जी 3 चुनाव लगातार जीतने वाले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। पर दोनों में मूल अंतर है कि 1952 में, 1957 में और 1962 में जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे तो उनकी सीटें बढ़ी नहीं थी। पर नरेंद्र मोदी की राज में एक अंतर ये आ रहा है, यदि 4 जून को परिणाम ऐसे ही आते हैं तो 2014 से 2019 में और 2019 से 2024 में सीटें बढ़ रही हैं। ये एक बड़ी बात है। 2019 के लिए तो पुलवामा बालाकोट को बहाना बनाया जाता था, इस बार चुनाव मुद्दों पर बताया जा रहा था लेकिन मुद्दे भी निष्प्रभावी दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे चुनाव में सबसे बड़ा झटका कांग्रेस को लगता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस अपनी सीटें बढ़ाती तो नजर आ रही है पर जिन राज्यों में कांग्रेस बंपर जीत के साथ सत्ता में काबिज हुई उन राज्यों में भी कांग्रेस लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की आंधी का मुकाबला नहीं कर पा रही दिख रही है। चाहे तेलंगाना हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, इन सभी राज्यों में कांग्रेस को बड़ा झटका लग रहा है। पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि 17 से सीट नहीं बढ़ा पाएंगी। ममता बनर्जी जबरदस्त प्रतिरोध कर रही थी और ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन में होने के बावजूद भी इंडिया से अप्रत्यक्ष रूप से दूरी बनाई हुई थी। लग ऐसा रहा था, राजनीतिक हलकों में चर्चा थी, यदि चुनाव बाद जरूरत पड़ी तो ममता बनर्जी एनडीए को सपोर्ट कर सकती हैं। 1 जून को जब इंडिया की बैठक घोषित की गई थी
मल्लिकार्जुन खड़गे ने, तभी ममता बनर्जी ने उसकी उसे दूरी बनाई। एग्जिट पोल का जो आकलन है, यदि ये सही निकलता है तो ममता बनर्जी को बंगाल में भी बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के लिए तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों से भी बंपर खुशी आने की संभावना है। यहां पहली बार, जबकि दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी को कमजोर बताया जा रहा था, यहां भाजपा खाता खोलती नजर आ रही है। आज जो अलग अलग कंपनियों ने सर्वे किए हैं उसमें इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया ने एनडीए को 361 से 401 सीट दिखाई है, यानी के 400 पार नारा मोदी जी का सच नजर आ रहा है। वहीं इंडिया को 131 से 166 सीट दिखाई है, 8 से 20 सीटें अन्य दलों के खाते में दिखाई है। एबीपीसी वोटर्स भी 353 से लेकर 383 सीट तक एनडीए को मिलती दिखा रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन को 152 से 182 सीट मिलने का दावा कर रहा है। अन्य के खाते में 4 से 12 सीट बताई जा रही है। न्यूज 24 और टुडे चाणक्य तो 400 पार कर ही रहा है। उसका दावा है कि एनडीए को 400 सीट मिलने जा रही है, जबकि इंडिया केवल 107 सीट पर सिमट जाएगा और अन्य के खाते में 36 सीट नजर आ रही है। जन की बात ने जो सर्वे किया है वह भी 362 से 392 सीट एनडीए को मिलता दिखा रहा है, और इंडिया को 141 से 161 और अन्य को 10 से 20 सीटें मिलने का दावा कर रहा है। इंडिया टीवी सीएनएक्स का भी दावा है कि इस बार फिर मोदी सरकार 400 के पार और 371 से 401 सीट तक एनडीए पा सकता है, जबकि इंडिया गठबंधन 109 से 139 सीट के बीच सिमट सकता है और 28 से 38 सीटें अन्य दलों के खाते में आ सकती है। टाइम्स नाउ और ईटीजी का भी दावा है कि 358 सीट के साथ एनडीए फिर तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है, जबकि 152 सीट के साथ इंडिया गठबंधन पिछड़ रहा है, 33 सीट अन्य दलों के खाते में जा रही है। TV9 और पोलस्टेट 346 के बहुमत के साथ एनडीए सरकार बनती दिखा रहा है, जबकि इंडिया को 162 और अन्य को 35 सीट मिलने का दावा कर रहा है। रिपब्लिक भारत ने मैट्रीज के साथ जो सर्वे किया है वह 353 से 368 सीट बता रहा है, और विपक्ष के खेमे में 118 से 133 और अन्य के खाते में 43 से 48 सीट बता रहा है। रिपब्लिक टीवी मार्क्स का कहना है कि 359 359 सीट के साथ मोदी जी तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन 154 पर सिमट रहा है, जबकि अन्य के खाते में केवल 30 सीट जा रही है। इंडिया न्यूज डी डायनामिक्स का 371 सीट का दावा है, जबकि विपक्ष के खाते में 125 और अन्य के खाते में 47 सीट बताई जा रही है। न्यूज नेशन ये दावा करता है कि 342 से लेकर 378 सीट भारतीय जनता पार्टी नीत एनडीए गठबंधन हासिल कर रहा है, जबकि विपक्ष को 153 से 169 सीट मिल रही है और 21 से 23 अन्य के खाते में जा रही है। न्यूज 18 चैनल का जो सर्वे कहता है कि 355 से 370 एनडीए को मिल रही है, जबकि 125 से 140 इंडिया को और 42 से 52 अन्य दलों को मिल रही है। इन टीवी चैनल के अलावा देश के एक सबसे बड़े प्रमुख समाचार पत्र दैनिक भास्कर ने अपने रिपोर्टर्स के माध्यम से एक सर्वे किया। दैनिक भास्कर ने किसी एजेंसी के साथ कोई ऑफिशियल सर्वे तो नहीं किया, लेकिन अपने रिपोर्टर्स के माध्यम से जो जानकारी इकट्ठी की उसके मुताबिक भी केंद्र में तीसरी बार फिर मोदी सरकार बनती नजर आ रही है। दैनिक भास्कर का दावा है कि एनडीए 281 से लेकर 350 सीट जीत कर फिर सत्ता में लौट रहा है। दैनिक भास्कर ने एनडीए के सभी दलों की अलग अलग सूची भी जारी की है, जिसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 248 से 298, तेलुगु देशम पार्टी 10 से 12, जनता दल यूनाइटेड 11 से 13, शिवसेना सिंधे गुट 6 से 7,
एलजेपी रामविलास 4 से 5, एनसीपी अजित पवार गुट 2 से 4, राष्ट्रीय समाज पक्ष 0 से 1, हम 0 से 1, आरएलडी 0 से 2, पीएमके 0 से 1, जेडीएस 0 से 1, अपना दल सोनेलाल 0 से 1, असम गण परिषद 0 से 1, जनसेना पार्टी 0 से 1, आजसू 0 से 1, एनडीपीपी 0 से 1 सीट हासिल कर सकती है। दैनिक भास्कर का दावा है कि इंडिया ब्लॉक 145 से 201 सीट के बीच सिमट सकता है, जिसमें कांग्रेस 59 से 98 सीट के बीच में पहुंच सकती है। डीएमके 22, टीएमसी 20 से 22, समाजवादी पार्टी 14 से 18, शिवसेना उद्धव गुट 10 से 12, एनसीपी शरद पवार 5 से 6, आम आदमी पार्टी 4 से 7, आरजेडी 2 से 4, जेएमएम 2 से 3, नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 से 3, सीपीआईएम 2, सीपीआई 2, आईयूएमएल 1 से 2 सीट पा सकते हैं। इनके अलावा एक तीसरा जो ब्लॉक है, जो किसी ना एनडीए में शामिल है ना इंडिया में शामिल है, वो भी 33 से 49 सीट पा सकता है, जिसमें वाईएसआर कांग्रेस 11 से 13, बीजू जनता दल 6 से 7, एआईएमआईएम 0 से 2, एआईएमआईएम ओवैसी जी की पार्टी है जो खुद इस बार हैदराबाद से चुनाव लड़ रहे हैं, ज्यादातर सर्वे इस बार उनकी अपनी सीट भी सुरक्षित नहीं बता रहे हैं, संघर्ष में बता रहे हैं। इनके अलावा बीआरएस 0 से 1, अकाली दल 0 से 1, एआईयूडीएफ 0 से 1, एसकेएम 1 और बीएसपी को 0 सीट बताई जा रही है। एनडीटीवी ने अपना को सर्वे तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने पोल्स और पोल्स किया है, जिसमें एनडीए को 366, इंडिया को 144 और अन्य को 33 सीट मिलने की बात कही है, जिसमें बीजेपी को 2019 के 303 के मुकाबले इस बार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और 305 सीट मिलने की बात कही गई है। वहीं कांग्रेस को भी बढ़ोतरी दिखाई दी है, जिसमें उसको इस बार 64 सीट मिलने का दावा किया जा रहा है। ये सर्वे कहां कितने लोगों पे किए गए हैं, इस पर एक बहस का मुद्दा हो सकता है। इसके बारे में इंडिया टीवी और सीएनएक्स ने बताया है कि उन्होंने 543 लोकसभा क्षेत्र के 1629 विधानसभा सीटों पर रैंडमली चुने गए 17919 मतदान केंद्रों पर किया है, जिसमें 179190 लोगों ने हिस्सा लिया है, जिनमें 92205 पुरुष और 86985 महिलाओं ने अपनी बात रखी है। इन सर्वों के मुताबिक गुजरात की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर परचम लहराने जा रही है, जबकि मध्य प्रदेश राजस्थान जैसे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को थोड़ा थोड़ा नुकसान दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में पूर्ववत स्थिति या उससे थोड़ी वृद्धि दिखाई दे रही है। दिल्ली में 1 या 2 सीट का नुकसान दिखाया जा रहा है। हरियाणा में 4 से 5 सीट का नुकसान बताया जा रहा है, कहीं कहीं उसका 2-3 का नुकसान बताया जा रहा है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी को लाभ की स्थिति दिखाई दी जा रही है। छत्तीसगढ़ में ज्यादातर सर्वे का मानना है कि बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है, यही कमोबेश स्थिति भारतीय जनता पार्टी कई अन्य राज्यों में है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु और केरल में भी खाता खोलने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में सभी 26 सीटों पर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सभी सीटों पर, उत्तराखंड में सभी सीटों पर और अरुणाचल प्रदेश, गोवा और त्रिपुरा में भी क्लीन स्वीप का माहौल बताया जा रहा है। टीवी चैनल के सर्वों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 62 सीट से बढ़कर इस बार अपना आंकड़ा सुधार सकती है
और पश्चिम उत्तर प्रदेश के रालोद समर्थकों के लिए अच्छी खबर है कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से राष्ट्रीय लोकदल अपनी 2 सीट जीत सकती है। वहीं अनुप्रिया पटेल की पार्टी भी अपनी 2 सीटों को जीत सकती है, पर सर्वे बताते हैं कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे घोसी में चुनाव हार सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी इस बार किसी गठबंधन में शामिल नहीं थी और पिछली बार 10 सीट जीतने वाली बसपा इस बार 0 पर सिमट सकती है। उसके खाते में कोई सीट जाती दिखाई नहीं दे रही है। एग्जिट पोलों के मुताबिक एनडीए को 46% वोट शेयर मिल सकता है, जो 2019 के 51% से 5% कम है। जैसा कि सोशल मीडिया पर और खबरों में नजर आ रहा था कि देश में एक बड़ा वर्ग है जो महंगाई के नाम पर, अग्निवीर के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर मोदी सरकार का विरोध कर रहा है, लेकिन उसका प्रतिशत केवल 5% गिरा है। वो 46% अभी भी एनडीए के साथ है, जो एनडीए को बड़ी सफलता दिला रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन को 40% वोट मिले हैं। पार्टी के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी 41% के साथ सबसे बड़े वोट शेयर की पार्टी है। पहले से भाजपा का वोट शेयर बढ़ा है और कांग्रेस को 21% वोट मिलती नजर आ रही है, जबकि अन्य दलों को 38% वोट मिलने की संभावना जताई जा रही है। ये एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल कितना सही होगा, कितना गलत होगा, ये सही निर्णय तो 4 जून को आएगा। पर आज के एग्जिट पोल ने, चूंकि सभी की दिशा एक ही है और सभी एग्जिट पोल एनडीए गठबंधन को बंपर लीड दिखा रहे हैं, इसलिए सामान्यता माना जाता है कि 1-2 एग्जिट पोल गड़बड़ हो सकता है, गलत हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, फिगर अंतर हो सकती है, लेकिन ट्रेंड भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। तीसरी बार बीजेपी की सरकार और बंपर बहुमत के साथ बनती नजर आ रही है। हालांकि विपक्ष का अभी भी ये कहना है कि ये 4 जून को जब नतीजे आएंगे तब ये पलट जाएंगे, पर अंतिम क्षण तक विपक्ष को भी उम्मीद बरकरार रखनी चाहिए। क्या रहेगा, क्या भारतीय जनता पार्टी इन्हीं सर्वों के मुताबिक बंपर लीड ले लेगी, या विपक्ष के लिए उम्मीदें बाकी 4 जून तक रहनी चाहिए, इस पर रहेगी नजर। 4 जून को जब सामने आएगी सही स्थिति, दोपहर में आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा कि कौन जीतेगा, कौन सच में देश की गद्दी पर बैठेगा, तभी अंतिम परिणाम सामने आएगा। वो परिणाम ये भी हो सकता है, कुछ फिगर का अंतर भी हो सकता है, पर मोटे तौर पर ये देश में पहले से भी एक मत बना चला आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 250 भी सीट पा लेगी तो निश्चित रूप से अपनी सरकार बना लेगी, पर सर्वे बता रहे हैं कि वो पहले से भी बड़ी लीड लेती नजर आ रही है, जिसका अर्थ ये है कि अभी भी देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू बरकरार है। और खास तौर से सर्वे में जो एक बात देखने को नजर आती है वो ये है कि महिलाएं साइलेंट रूप से नरेंद्र मोदी को पसंद करती है, उनमें मुस्लिम महिलाएं भी शामिल है, जो 3 तलाक के बाद और फ्री राशन और फ्री आवास के नाम पर मोदी जी को वोट दे रही है। विपक्ष को इसकी काट ढूंढ पाना बहुत आसान नहीं लग रहा है। सोशल मीडिया पे जरूर एक तरफा लग रहा था कि परिवर्तन की लहर है, पर वो परिवर्तन की लहर ईवीएम से आने वाले नतीजों में अभी तक तो दिखाई नहीं दे रही है। पर इंडिया के समर्थकों का मानना है कि ये आंकड़े फेल होंगे, इस पर रहेगी 4 जून को नजर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए रॉयल बुलेटिन के साथ। अगली वीडियो में बताएंगे उत्तर प्रदेश का हाल, उससे अगली वीडियो में बताएंगे मुजफ्फरनगर का हाल और क्या होगा 4 जून का परिणाम। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।